हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राम राम। मैं पंडित इसके मिश्र, इस चूर्ण को उसका नाम लेते हुए ले लेते हैं, पी लेते हैं तो उसका हो जाएगा तन मन धन से संपूर्ण वशीकरण। किसी महिला का, गर्ल का, फीमेल का संपूर्ण वशीकरण करना चाहते हैं तो अपने आप में बहुत चमत्कारिक, अहतारिक और सबसे सरलतम प्रयोग में से प्रयोग है। श्रद्धा भाव और विश्वास से इसको आजमाना है, एक एक स्टेप को सुनना है, समझना है, पूरा वीडियो आपको अंत तक देखना है। इसलिए जब भी आप कोई भी प्रयोग करें, कोई टोटका करें, कोई तंत्र मंत्र का कोई जाप करें, या कुछ भी सिद्धि करना चाहते हो तो, या जीवन से जुड़ी किसी भी चीजों में आप सफलता पाना चाहते हैं तो श्रद्धा और विश्वास का होना बहुत जरूरी है। जब भी आप कोई प्रयोग करने जाएं तो सबसे पहले अपने इष्ट का स्मरण कर लें, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लें। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। उसके बाद कोई प्रयोग करेंगे आपको सफलता मिलेगी। और यदि आपके पास कोई आपके आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं तो बिल्कुल निराश ना हो। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते हुए मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करके प्रयोग करें, सफलता अवश्य मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दें, और यदि रिप्लाई में मैं आपको हार्ट का सिंबल या साइन देता हूं तो आप समझ जाएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बात और, यदि आप चाहते हैं अपने जीवन से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान हमारे माध्यम से कराना तो दिए गए नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है, अपना नाम, अपना फोटो, जो भी समस्या हो साफ साफ लिखिए। हमारी भारतीय विद्याओं में, भारतीय साधनाओं में इतनी दिव्यता है, इतनी भव्यता है कि वह विश्व की समस्त समस्याओं का समाधान पल भर में, क्षण भर में सॉल्व कर सकती है। और मैं अपनी उन्हीं विद्याओं के माध्यम से, उन्हीं साधनाओं के माध्यम से आप लोग की समस्या का समाधान करने में उचित मार्गदर्शन करूंगा, जिसके लिए आप हमसे व्हाट्सएप करें। फोन कॉल का प्रयोग कदापि न करें। तमाम माताओं, बहनों के, भाइयों का कॉल आने से सबके फोन कॉल रिसीव नहीं होते हैं, आप लोग कष्ट होगा। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सब कुछ व्हाट्सएप पर करें, मैसेज करें, साफ साफ करें। मैं आप लोगों का अवश्य ही मार्गदर्शन करूंगा। एक और आग्रह करूंगा कि वशीकरण का प्रयोग जहां सच्चा लगा हो वहीं करें। किसी को ब्लैकमेल करने की नियत से, चीट करने की नियत से, हानि या क्षति पहुंचाने की नियत से कदापि इसका दुरुपयोग ना करें। यदि आप किसी प्रेम करते हो, अचानक से आप लोग में दूरियां बढ़ती जा रही है, उसके बगैर आप रह नहीं पा रहे हैं तो वहां इसका प्रयोग कर सकते हैं। या वन साइडेड लव के शिकार हो चुके हैं, अगला आपको महत्व नहीं दे रहा है तो वहां इसका प्रयोग करें। मगर किसी प्रकार से किसी को ब्लैकमेल नहीं करना है, चीट नहीं करना है, हानि या क्षति नहीं पहुंचाना है। ऐसा करने से आपको भी नुकसान होगा। अतः जब भी कोई प्रयोग करें तो अपने बुद्धि विवेक के अनुसार सूझबूझ के साथ करें। और जो सामग्री मैं बताता हूँ वो चीज़ अगर आपको नहीं मिलती है तो हमारे माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि मैं जो चीज़ें बताता हूँ, जो भी जड़ी बूटी बताता हूँ, आसानी से आपको मिल जाएगी। जहाँ पंसारी की दुकान होती है, जहाँ जड़ी बूटी की सामग्री मिलती है, वहाँ से जा कर के आप ले सकते हैं। फिर भी कुछ और जानने की इच्छुक है तो व्हाट्सएप पे मैसेज करें। हम चलेंगे आज की प्रयोग विधि पर। इस प्रयोग में जिनकी आवश्यकता है उसमें सतावर, अश्वगंध, सफेद मुसली और आंवला, इन सबको समान मात्रा में लेकर के चूर्ण बना लेना है। और फिर दो तीन मासा इसको दूध में लेने से, सुबह शाम लेने से आपकी धातु में वीर्य में वृद्धि हो जाएगी, ओज में, कांति में, चेहरे की सुंदरता में वृद्धि हो जाएगी और वशीकरण पावर में वृद्धि हो जाएगी। और यदि किसी के लिए आप चाहते हैं कि उसका नाम लेकर के उसका वशीकरण करना तो प्रबल वशीकरण यंत्र के 8.12 डिग्री का प्रयोग करेंगे तो उसका हो जाएगा संपूर्ण वशीकरण। धन्यवाद। राम राम।